एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक सरदार महेंद्र सिंह जी पिछले दिन अपने स्वासां दी पूंछी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा साहिब पिंड धूरकोटन सी मोगा विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार महेंद्र सिंह जी दा जन्म 5/10/1947 नूं माता बचन कौर जी दी कुखों पिता मिस्त्री अर्जन सिंह जी हुणा दे घर धूरकोट रणसी विखे होया। मुढली सिक्ख्या आप जी ने पिंड धूरकोट रणसी तो ही प्राप्त कीती। उपरंत अगली पढ़ाई आप जी ने पत्तो हीरा सिंह अते डिग्री लुधियाना कॉलेज तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दी पढ़ाई विच पूरी कीती। सरदार महेंद्र सिंह जी हुणा दा विआह सरदारनी गुरदेव कौर हुणा नाल 1977 विच होया। आप जी दे धर्म पत्नी पेशे वजो एक अध्यापिका हन। व्याह उपरांत आप जी ने अपनिया परिवारिक जिम्मेदारियां नु बखूबी निभाया। आप जी दे घर 3 पुत्रां सतवंत सिंह सुखविंदर सिंह अते सतनाम सिंह अते एक बेटी सुरिंदर कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नु चंगे संस्कार दिते, खूब पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। पर अचानक ही आप जी दे बेटे सरदार सतनाम सिंह जी हुणा दा बेवक्ती देहांत हो गया, जिस नाल आप जी नु गहरा सदमा लगा। पर आप जी ने फिर भी हिम्मत ना हारी अते परमात्मा दा पाणा मंदे हुए ए सब कुछ स्वीकार कीता। सरदार महेंद्र सिंह जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रहा करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी।
नौवें गुरु नानक साहब प्रमाण कर देने जो उपजो सो बिरस है पर नानक हर गुण गाय गए छाट सागर देता सतगुरां दे प्रमाण अनुसार जो भी इस संसार से पैदा होया जो उपजे जो पैदा होया उन्हें एक ना एक दिन खत्म होना है। अज निकल सतगुरु पातशाह कहते हैं चले तो संसार को जाना है क्यों ना उस परमात्मा चिंते कर लिया जाए ताकि संसार आया साडा सफला हो जाए साढ़े जितों स्वर्गवासी सरदार महेंद्र सिंह जी ये जेडे अपनी संसार की यात्रा पूरी करते हैं लोग तो लोग सुधार गए जिन्हों की अंत बरदास आप सारे जाने जुड़े करके बैठे हैं सतगुरु पातशाह जी को पूछिए कि सतगुरु जी ये सारे संसार को चले ही जाना है तो बंदा दुनिया में आंदा क्या है जो चले जाना है तो आए क्यों आने का कोई कारण तो होगा की करना है दुनिया में सतगुरु पातशाह कहते हैं आयो पढ़ मन सुनन को बाणी नाम अनुसार लगे मन लालच बिरथा जन प्राणी आए इतने पढ़ने के सुन वास्ते बाणी परमात्मा का नाम पढ़ने के सुन वास्ते आए पर असी परमात्मा का नाम ना तो पढ़िया ना सुनिया सतगुरु पातशाह सानू हर रोज सवेरे सवेरे गुरद्वारा साहब आवाजा मारते हैं आप लोग सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी आवो सिख सतगुरु के प्यारे प्यारे सिखो आवो परमात्मा का नाम जपिए सतगुरु पातशाह कहते हैं भाई देखिए जन्म मिलया है ना मिलया इसे काम करके पंजवें पातशाह कहते हैं भई प्राप्त प्रमाण जे मिलिया गोविंद मिलने की एक मेरे भैया आ बारी है गोविंद को मिलने की अपर पार मेरा कहता है ना काम होर काम मेरे किसे काम नहीं आ अपर काल तेरा है कहता है ना काम मेरे साध संगत भज केवल नाम केवल के एक परमात्मा का नाम जपी है होर प्रमाण लै लो सतगुरु पातशाह कहते हैं भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाभ ये मानस जन्म का लाभ है जे परमात्मा का नाम जप लीजिए तो सतगुरु पातशाह सानू सारे समझाते हुए फरमाते हैं आओ प्रेम सहित आप सारे शब्द सरवण करना है उस तो उपरंत फिर सतगुरु पातशाह के अरदास बेनती जोड़ी करेंगे आओ सारी संगत वाल बेनती पर शब्द का जाप करें सतगुरु सब समझाते हैं कि परमात्मा का नाम जप के अपनी पत अपनी इज्जत नाल सतगुरु पातशाह जिसे प्रसाद अनुसार इस संसार में जाना है आओ सारे लग रहा है कि सब सब परमात्मा का नाम
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਪਾਸ ਐਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹਾ ਜਿਨ ਕੇ ਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੇ ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਰਕਾ ਸਦੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ ਜੰਨਾ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣਾ ਖਾਵੇ ਜਾਏ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी।